कर रहे हैं तैयारी, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हर दिन, तो लगे हुए हैं। भाई विनायक तो पीपीओ बॉय है वैसे, और सुमित भी पीपीओ बॉय है। सुमित का तो मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था। विनायक भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई। भाई मेरी रात काली होने वाली आज एकदम। वैसे पुलकित भाई का सेटअप बड़ा शानदार है यार, मैक लगा रखा है, आईपैड है, बड़ी सी स्क्रीन भी लगा रखी है। क्या 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 खासियत है, क्यों लगाया इतना बड़ा सेटअप? भाई ताज होटल में पार्टी देंगे ऐसा बिल्कुल बोला है। हाय गाइस, कैसे हो आप सभी? आईआईटी बॉम्बे में प्लेसमेंट सीजन चालू हो चुका है, प्लेसमेंट सेमेस्टर चालू हो चुका है, एंड चालू हो चुका है स्टूडेंट्स में बढ़ता हुआ टेंशन। एंड अभी रात के 1 बज रहे हैं, एंड आज अपना रेज्यूमे का डेडलाइन है, मतलब आज रात 12 बजे तक आपको अपने रेज्यूमे सबमिट कर देना है। एंड जो भी मेरे दोस्त हैं सब रेज्यूमे बनाने में लगे हुए हैं, तो चलो उनके पास आपको मैं लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वो प्लेसमेंट सीजन की किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी बॉम्बे में स्टूडेंट किस तरीके से अपने रेज्यूमे बनाते हैं, प्लेसमेंट के बारे में किस तरीके से सोचते हैं, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। चलो आगे चल के इस वीडियो में दिखाते हैं आपको। चलो आपको पुलकित भाई के रूम पे लेके चलता हूँ, दिखाते हैं कि पुलकित भाई क्या कर रहे हैं। पुलकित भाई क्या चल रहा है? हाय। कुछ नहीं यार, रेज्यूमे वगैरह का काम चल रहा है। वैसे पुलकित भाई का सेटअप बड़ा शानदार है यार, मैक लगा रखा है, आईपैड है, बड़ी सी स्क्रीन भी लगा रखी है। क्या 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 खासियत है, क्यों लगाया इतना बड़ा सेटअप? यार ये बेसिकली मल्टीटास्किंग वगैरह के लिए लगाया है। जैसे अभी मैं एक दोस्त का रेज्यूमे भी रिव्यू कर रहा था, साथ में खुद का रेज्यूमे भी बना रहा था। आपका रेज्यूमे डन हो गया? रेज्यूमे तो बन चुका। जनता को दिखा दे आईटी बॉम्बे के बच्चे कैसे रेज्यूमे बनाते हैं। दिखा दो। तो ये देखो, ये इनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, फिर की प्रोजेक्ट लिख रखा है इन्होंने, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड देन एक्स्ट्रा करिकुलर है। पुलकित भाई कैसा लग रहा है प्लेसमेंट सीजन के बारे में? कुछ नहीं यार, एक्साइटेड तो है लेकिन डर भी लग रहा है क्योंकि मेन प्लेसमेंट्स है यार फाइनल। बिल्कुल बिल्कुल। और मान के चलो ये वीडियो आप अगर 1 साल बाद देखोगे तो क्या कैसा फील हो रहा होगा, क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर 1 साल बाद वाला पुलकित अभी वाले पुलकित को कोई मैसेज दे तो यही कि यानी कि जो भी तुम्हारा टारगेट है उस पर फोकस होके लगे रहो, जर्नी को एंजॉय करो रेदर देन आउटकम को, क्योंकि इस जर्नी में पूरा प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट। प्रोसेस इज मोर सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। एग्जैक्टली। चलो चलो पुलकित भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ऑल द बेस्ट, मचाते रहो है ना, बाकी लोगों से दिखाते हैं, मिलते हैं अभी। चलो बाय बाय। इस रूम में भी कुछ दोस्त है मेरे, चलो उनसे मिलते हैं। शिवम है यहाँ पे और स्मित है। स्मित भाई क्या कर रहे हो? रेज्यूमे बना रहा हूँ। रेज्यूमे कैसा चल रहा है आपका रेज्यूमे का काम? बहुत टफ है। क्यों? बस है। अच्छा आपका रेज्यूमे दिखा दे लोगों को। नहीं दिखाना भाई। चलो ये अपना रेज्यूमे नहीं दिखाना चाहते, शिवम अभी तो बिजी है। शिवम भाई आपका रेज्यूमे बन गया? चलो चलो बनाओ है ना, ये दोनों तो थोड़े से बिजी है तो बाहर चलते हैं। बाय बाय। विपुल भाई के रूम पे आ चुके हैं हम लोग, इन्होंने गाना ना बजा दिया। भाई पहले गाना बंद करो, कॉपीराइट आएगा। क्या कर रहे हो? रेज्यूमे बना रहा है। विपुल भाई का रेज्यूमे आप देख सकते हो, लेटेक्स पे बना रहा है क्या? हाँ विपुल भाई लेटेक्स पे रेज्यूमे बना रहा है। वैसे आपका तो पीपीओ आने वाला है, आपको किस बात की चिंता है? इनके चेहरे की मुस्कान आप देख सकते हो। और नहीं आया प्लेसमेंट तो उसमें तो क्या करोगे फिर? और प्लेसमेंट आया तो पार्टी करेंगे। अरे विपुल भाई ताज होटल में पार्टी देंगे ऐसा विपुल बोला है, अगर नहीं दिया तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे। विपुल भाई ये बताओ, जो बच्चे आपको देख रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, उनको क्या करना चाहिए जीवन में? पहले कॉलेज में जाए, उसके बाद पढ़ाई करें अच्छे से, तब प्लेसमेंट तो 4 साल बाद है। कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बता दिया? अभी से कौन प्लेसमेंट का तैयारी करेगा भाई? अभी तो जो भाई मान ले सेकंड ईयर का बच्चा देख रहा होगा, थर्ड ईयर का देख रहा होगा। सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले हैं भाई, तो फिर जिस फील्ड में मतलब इंटरेस्ट है उस फील्ड में अपना तैयारी करें अच्छे से। प्रो विपुल भैया का टिप्स फॉलो करें ताकि इनके जैसा तगड़ा प्लेसमेंट आपका भी हो। चलो बाय। परेशान हो कि नहीं हो? परेशान नहीं है, मतलब देख सकते हो बिल्कुल मजे में है भाई विपुल। चलो यार चलते हैं, विपुल भाई अपना काम कर रहे हैं, इनको काम करने के लिए देते हैं एंड हम लोग चलते हैं। बाय बाय। भाई यहाँ पे मैं विपुल के रूम पे आया था, फिर बाद में सूरज आ गया, सुमित आ गया और विनायक भाई भी मेरे बगल में बैठे हुए हैं। भाई विनायक तो पीपीओ बॉय है वैसे, और सुमित भी पीपीओ बॉय है। सुमित का तो मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था,
विनायक भाई कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू विनीत भाई. और भाई इसके लिए कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन लिखो, प्यार जाहिर करो, और सुमित के लिए भी जाहिर करो, और सूरज के लिए ढेर सारा शुभकामनाएं लिखो. विपुल को भी मोस्ट प्रोबेबली पीपीओ मिल जाएगा, तो इसके लिए भी शुभकामनाएं लिखो. और सूरज का इधर हम लोग रेज्यूमे पे काम कर रहे हैं, तो वो काम कंप्लीट करते हैं. बाय बाय. चलो प्रशांत वगैरह के रूम पे चलते हैं, दिखाते हैं उसका रूम भी इधर ही कहीं पे है, देखते रूम पे है कि नहीं. रूम पे तो ताला लगा हुआ है यार उसके, मेरा ये वाला रूम है उसको देख, मतलब ताला नहीं बंद है, देखते हैं कहाँ पे. प्रणव के रूम में प्रशांत भाई, गेट खोल दे जल्दी. हाँ मुझे पता था कि यही पे भाई, पीछे छुप के खड़ा है भाई. क्या कर रहा है? रेज्यूम बना रहा हूँ, कल डेडलाइन है. दिखाओ दिखाओ रेज्यूम में तुम्हारा, दिखाओ लोगों को. प्रशांत का रेज्यूम में देखो भाई, इधर कैसा लग रहा है? कैसा मतलब, कल डेडलाइन है तो ज्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है. ठीक है, क्या क्या अगर मान लो प्लेसमेंट तुम्हारा हो जाता बहुत तगड़ा, तो ऑन कैमरा क्या बोलना चाहोगे? मतलब जब प्लेसमेंट हो गया तो बोल लेंगे, ऐसा भी भाव नहीं है मेरे पास बोलने के लिए. प्रशांत भाई डरा हुआ लग रहा है मुझे, चेहरे पे झूठा मुस्कान दिखा रहा है, क्या ये सच है? मतलब मुस्कान तो है, मतलब ऐसा नहीं ज़्यादा मुस्कान नहीं है. ठीक है बिल्कुल. चलो चलो प्रशांत को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते. मुझे पता था ये छुपा हुआ होगा इसी रूम में, मैं इसके रूम पे गया था तो गेट उधर बंद था. अपने रूम पे क्यों नहीं है? कुछ पॉइंट्स बना रहे थे साथ में. चलो बढ़िया है, ग्रुप प्रोजेक्ट है. बाय बाय भाई. नहीं रात काली होने वाली आज एकदम. रात तो काली है भाई, देखो उधर कैसे. पूरी रात जागना पड़ेगा आज मुझे. ऑल नाइटर? ऑल नाइटर, बहुत दिनों बाद ऑल नाइटर लगेगा. भाई अभी कैमरा बंद किया था बहुत ज्यादा, ये इधर उधर बोलने लगा, अभी फिर शॉर्ट कर दिया आपको. अनफिल्टर्ड नहीं करना चैनल को. देख रहे हो? चलो बढ़िया बढ़िया लगा हुआ है भाई, अपना प्रशांत भाई रेज्यूमे पे लगा हुआ है, और मुझे पूरा यकीन है कि जरूर ये बहुत ही अच्छा इसका प्लेसमेंट होगा, बहुत अच्छा रेज्यूमे बनाएगा ये. क्यों? अच्छा कौन कौन से सेक्टर को टारगेट कर रहे हो? मतलब कोर भी है एक तो, और एनालिटिक्स भी है, फाइनेंस भी है, कंसल्ट भी है, सब टारगेट करते हैं. फाइनेंस छोड़ दिए, सब कुछ टारगेट कर रहा है, ऑलराउंडर है प्रशांत. चलो देखते हैं. श्रीतम भाई के रूम पे आ चुके हैं, चप्पल उप्पल उतार देते हैं बाहर ही. श्रीतम भाई क्या कर रहे हो? रेज्यूमे बना रहे हैं. श्रीतम भाई भी रेज्यूमे बनाने में लगे हुए हैं. और कैसी है आपकी मनोदशा अभी? बढ़िया है, बस और कुछ हो ही गया तो थोड़ी खुशी भी है, खुशी भी आ रही है. अच्छा लगता है, काफी आपकी आंखें बता रही, काफी मेहनत किया है आपने. मेहनत तो बहुत दिन से लगा पड़ा. और प्लेसमेंट सीजन से क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके? सीजन से तो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं, खुद से एक्सपेक्टेशन है. हाँ मतलब अपने आप से देखेंगे, अभी तो चालू हुआ है, देखते हैं जो होता है. चलो चलो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट आपको. थैंक यू. आपको भी थैंक यू सो मच. और तेरा रेज्यूमे का काम कैसा चल रहा है? चल रहा है, रिव्यू करवा रहा है. रिव्यू करा रहा है, लोगों को दिखाना चाहेगा अपना रेज्यूमे? चलो बिल्कुल चलेगा चलेगा. हम आपके एंड प्लेसमेंट सीजन की किस तरीके से तैयारी कर रहे हो आप? कर रहे हैं तैयारी, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हर दिन. तो लगे हुए हैं. एंड क्या लगता है कैसा रिजल्ट रहने वाला है? कुछ नहीं कह सकते भाई, बिल्कुल कह सकते. इतनी अच्छी इंटर्न की तो प्लेसमेंट भी ज़रूर बिल्कुल अच्छा होगा. तुम्हारे मुँह में नहीं शक है. थैंक यू सो मच. एंड इसके अलावा दो लोग और हैं इधर जो फ़ोन चलाते हुए. एक तो बंदा फोन चला रहा है. भाई फोन क्यों चला रहे हो आप? उसने इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है. रेज्यूमे बन गया? बन गया भाई. एंड इसको देखो ये लैपटॉप के पीछे चुप रहा है. मत कर भाई. और ये 5 ईयर वाला तू क्या कर रहा है भाई? देख लो भाई ये क्या है. ये कुछ हम चैटबॉट बना रहे हैं भाई. चैटबॉट बना रहा है ये US के क्लाइंट्स के लिए. क्यों? इसको तो रेज्यूमे बनाना नहीं है. हमारा प्लेसमेंट नेक्स्ट ईयर है. इसका नेक्स्ट ईयर है. तैयारी अच्छी चल रही है? नहीं. चलो चलते हैं. बाय बाय.
यार कुछ इस तरीके से आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट रेज्यूमे वगैरह बनाते हैं, प्लेसमेंट सीजन की तैयारी करते हैं। एंड यहीं तक था अपना ये व्लॉग। एंड अगर आपको इस तरीके के व्लॉग देखने पसंद है तो मेरे दूसरे चैनल विनीत कुमार व्लॉग्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैं आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।